कहीं कोरोना ना हो जाए, मगर उसकी बहू के मौत में ज्योति शुक्ला ने जाने का कार्य किया और हमने एक दिन से कहा। सबसे पहले तो मैं पूरे देशवासियों को आज के दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देती हूँ। आज 26 जनवरी के इस सुनहरे पर्व में पूरे देश में झंडा लहराया जा रहा है। ये बहुत ही गर्व की बात है कि हमारा देश आज़ाद हुआ है। इतने सालों हो गए आज़ाद हुए, लेकिन अभी कुछ चीज़ें बाकी हैं जो कि आज़ाद होनी है। मेरा नाम ज्योति शुक्ला है, मैं सपोर्ट फाउंडेशन की अध्यक्ष हूँ और करीबन 6 सालों से समाज सेवा कर रही हूँ। समाज सेवा के क्षेत्र में मेरा रुझान बचपन से ही था, क्योंकि मेरी माँ ने भी कुछ बहुत सारी ऐसे पीड़ित लोगों को देखा है जो उन्होंने मुझे बड़े होने पर वर्णन किया और मुझे बताया कि कैसे लोग आज भी कपड़े और रोटी मकान के लिए बेबस हैं। इतने साल हो गए हमारे देश को आज़ाद हुए, उसके बाद भी आज बहुतों के पास ना तो रोटी है, ना मकान है, ना घर है, ना रहने के, ना पहनने के लिए कपड़े हैं। तो हमारी संस्था को डालने का उद्देश्य यही था कि हम समाज सेवा के साथ साथ एक नाम भी इसमें जोड़ें, ताकि उस नाम से हमारे फाउंडेशन को जाना जाए। तब हमने अपने फाउंडेशन का नाम सपोर्ट फाउंडेशन रखा, क्योंकि हमें एक दूसरे का सपोर्ट करना था और सपोर्ट लेना भी था। मैंने ट्रैफिक जागरूकता से अपना प्रोग्राम शुरू किया, जो रोड में जून जुलाई के गर्मी के मौसम में हमने ट्रैफिक जागरूकता चलाई। उसके बाद से लोगों ने हेलमेट और सीट बेल्ट लगाना चालू किया। हमें देखकर बहुत से समाजसेवी सड़क पर उतरे और काम करना चालू किया। हमें बड़ी खुशी हुई कि हमें देखकर लोगों के मन में ये लालसा आई कि हमें भी कुछ करना चाहिए। इसके बाद हमने हेलमेट भी बांटे। गरीब जो माध्यमिक स्कूल हैं, जहाँ पर बहुत ज़रूरतमंद लोगों के बच्चे पढ़ते हैं, वहाँ पर हमने स्कूल बैग, टिफ़िन, कुछ ऐसी सामग्रियाँ बांटी जो कि झोले में लेकर बच्चे किताबें कॉपी लाते थे, तो उन्होंने उनको हमने बैग प्रोवाइड कराया। इसके बाद हमने कई ऐसे जागरूकता अभियान चलाए, बीमारियों को लेकर चलाए। इसके बाद कोरोना काल में हमारे फाउंडेशन ने पूरा जोर लगाया और सड़क पर उतर के लोगों की सहायता की। जब लोग एक दूसरे को छूने से भी डरते थे, एक दूसरे के घर जाने से डरते थे, हमने घरों घरों तक राशन पहुंचाया। और कुछ ऐसे ज़रूरतमंद थे जो मांगने से कतराते थे, झोला लिए घूमते थे पर मांग नहीं पाते, उनको हमने बुलाया और बुलाकर उनके हाथ पर, उनके झोले पर सामान रखा। और इतना सामान होता था कि 15 दिन उनका गुजारा